धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सत्संगत जी, हजूर पिताजी का सभी सत्संगत के लिए आया खुशियों भरा पैगाम और सभी सत्संगत के लिए आई खुशखबरी। बहुत बड़ी न्यूज सभी सत्संगत के लिए लेकर आए हैं। सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी सत्संगत के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना और बहुत ही बड़ी खुशी की खबर लेकर आए हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सत्संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हजूर पिताजी को लेकर सभी सत्संगत के मन में ख्याल रहता है कि हजूर पिताजी बहुत ही जल्द आएंगे और कितनी जल्द आने वाले हैं और कौन सी तारीख को आने वाले हैं, बरनावा आश्रम में आने वाले हैं या सिरसा आश्रम में आने वाले हैं। तो ये सभी सवाल सभी सत्संगत के मन में उठते रहते हैं। तो सत्संगत जी, इससे संबंधित सभी सत्संगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और खुशी की खबर भी है, क्योंकि सभी सत्संगत, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हजूर पिताजी की हर एक वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो हर एक वीडियो टाइम टू टाइम लेने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दे, ताकि सभी को इस वीडियो के बारे में पता चल सके क्या हजूर पिताजी की खुशी की खबर है, उसके बारे में सभी सत्संगत को पता चल सके और इसमें आपकी भी कुछ ना कुछ सेवा बन जाती, क्योंकि वीडियो के माध्यम से जैसे भी गुरु जी की चर्चा हो, हजूर पिताजी कुल मालिक हमारे सदगुरु रहवर, जैसे भी हम चर्चा कर सकते हैं, नाम चर्चा करते हैं, सत्संग जाते हैं, तो इसलिए ही जाते हैं कि हजूर पिताजी की जो सच्ची राह का जो रास्ता बताते हैं, कहीं ना कहीं उससे जो है समाज जुड़ा रहे और समाज का भला हो सके। आपने देखा होगा कि अभी आपके रिसेंटली लाइफ में हजूर पिताजी को लेकर जो भी कोई छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आपके सामने आता है और आप उन समस्याओं में उलझ जाते हैं कि हजूर पिताजी, तुम्हारे हजूर पिताजी नहीं आएंगे, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम को जब आप इनको झेलोगे तो आने वाले टाइम में हजूर पिताजी बताते हैं कि घोर कलयुग आने वाला है, तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना कैसे करोगे, क्योंकि हजूर पिताजी का ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। हजूर पिताजी बार बार आते हैं और बार बार अपनी मर्जी से ही जाते हैं, ये तो सिर्फ एक बहाना है, कोर्ट का कचहरी का सिर्फ एक बहाना है। हमारा मालिक सदगुरु कुछ भी कर सकता है, वो करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। हजूर पिताजी किसी भी माध्यम से सभी सत्संगत को सिर्फ एक सीख ही देते हैं कि कैसे आपको जीना है। दुनिया वालों के जो असूल है वो हमेशा यही असूल है कि वे किसी भी तरीके से सही रास्ते में रुकावटें डालते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपके आसपास के पड़ोस में जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, हजूर पिताजी के प्रति आप उनके पास जाते हैं तो वे छोटी छोटी उन समस्याओं को लेकर, जबकि वे बहुत बड़ी समस्याएं नहीं होती, वो सिर्फ समस्याएं बड़ी बन जाती है, तो सिर्फ इसी वजह से बन जाती है जो कि आप उसको अपने मन में बड़ी समस्या समझ लेते हैं। लेकिन हजूर पिताजी जब सभी सत्संगत के बीच में आएंगे तो सभी को पता चल जाएगा, और जो आपके सामने इस तरह की अनर्गलन बातें करते हैं कि हजूर पिताजी नहीं आने वाले, तो उनके लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा जवाब दे होगा, क्योंकि हमारे हजूर पिताजी हमेशा सभी सत्संगत से यही बोलते हैं कि सभी सत्संगत को प्यार से रहना है। और यह भी एक संदेश है कि जब इन छोटी छोटी, कोई भी इंसान आप देख लीजिए लाइफ में, जब अपने जीवन की छोटी छोटी प्रॉब्लम से सुलझ जाता है, तभी आने वाले 5 साल 10 साल बाद उसके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उन समस्याओं से सुलझने में उसको आसानी हो जाती है, क्योंकि सतगुरु दाता का जिसके सिर पर हाथ है उसे तो कोई प्रॉब्लम जो है परेशान ही नहीं कर सकती। जो अपने सदगुरु पर पूर्ण भरोसा रखता है, पूर्ण विश्वास रखता है, आज भी अटूट विश्वास है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। कमेंट बॉक्स में अपने ब्लॉक का, अपने नाम के साथ ब्लॉक का नाम लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगवाए, ताकि हमको भी पता चल सके कि हमारी वीडियो किस किस ब्लॉक तक जाती है और किस किस ब्लॉक की सत्संगत हमारी वीडियो को देख पाती है। तो सत्संगत जी, हजूर पिताजी जल्द ही सभी सत्संगत के बीच में आने वाले हैं। जो भी आपको इस तरह से डिमोटिवेट करता है, वहाँ से चुपचाप हाथ जोड़कर मालिक से यही अरदास करते रहना है कि मालिक तू जाने, तेरा काम जाने, जैसे ये दुनिया है, क्योंकि आप कुछ करोगे, इस दुनिया का यही असूल है, आप कुछ करोगे तब भी दुनिया कुछ बोलेगी और आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी ये दुनिया आपको बोलेगी। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने सतगुरु से बिल्कुल भी अपना विश्वास नहीं हटाना है, क्योंकि हमारा सतगुरु सच्चा दातार है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई थोड़ी परेशान जरूर हो सकती है, लेकिन सच्चाई झुक नहीं सकती, ये एक ना एक दिन खुलकर जरूर आती है। झूठ कुछ संबंध खत्म जरूर करता है, लेकिन झूठ
निकल कर जरूर आते हैं, जो बातें झूठी होती है वे क्लियर होकर बाहर जरूर आती है, और जो हजूर पिताजी के ऊपर झूठे आरोप है वे सब ही हट जाएंगे। और हजूर पिताजी हाई कोर्ट से याचिका सफल कर हाई कोर्ट में जैसे ही याचिका सफल होगी सभी सत्संगत के बीच में आएंगे। तो जैसे ही हजूर पिताजी आएंगे तो हम इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको खबर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर दे, ताकि सभी सत्संगत को इस जो खबर आपको हमने दी है इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही खबर मिलेगी सबसे पहले हम इस पर आपको देंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वीडियो को लाइक करने के बाद अगली वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।